दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय संसद यानी कि इंडियन पार्लियामेंट से संबंधित 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये 40 क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा और आप इन 40 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाते हैं अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये सभी क्लासेज हैं जो पूरे दिन में ओनली टॉप स्टडी पर आती है, तो आप इन सभी क्लासेज को देखने के लिए, साथ ही साथ जीके का नाइट क्विज होता है टॉपिक वाइज रात में 9 बजे, तो आप इसको भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुद भी और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अभी तक जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की है टॉपिक वाइज और वैसी भी, उन सभी की प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना भाई और अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद का भाग माना जा सकता है? तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार मैं करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, तो आंसर बताइए दोस्तों। यानी कि इंडियन पार्लियामेंट जो है, जो भारतीय संसद है दोस्तों, किनको मिला के बनती है? तो देखिए इंडियन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि पहले तीनों ऑप्शन राइट है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन आपका सेकेंड वाला हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद से संबंधित है? तो भारत की संसद से संबंधित दोस्तों कौन सा आर्टिकल है, तो वह आर्टिकल आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल 79 यानी कि आर्टिकल सेकंड, यानी कि ऑप्शन दोस्तों आपका सेकंड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो तीसरा क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो भी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 238 यानी कि ऑप्शन आपका यहां पर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद का गठन और उनके सदस्यों के चुनाव के तरीके से संबंधित है? तो 5 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 80, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सरकार का संसदीय रूप लिया गया है, सरकार का संसदीय रूप दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, सरकार का संसदीय रूप लिया गया है ब्रिटेन से, यानी कि 4 आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, संसद के एक सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवाद पर फैसला करने हेतु अधिकृत कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर किया आप लोगों ने, अगर प्रेसिडेंट यहाँ पे आंसर लगाया है तो सेकंड ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। देखिए संसद के सदस्य की अयोग्यता के बारे में किसी भी विवाद को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर निर्णय लेते हैं और अनुच्छेद 103 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय को अंतिम रूप दिया जाता है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हैं दोस्तों। यहीं पर एक दल बदल के आधार पर अयोग्यता के मामले में अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा मामला तय किया जाएगा, जिससे कि मामला हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका दोस्तों, भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु सत को निर्धारित करने में सक्षम कौन है? बिल्कुल दोस्तों, देखिए अगर यहाँ पर नागरिकता की बात मैं करूँ तो नागरिकता से संबंधित जो भी डिसीजन होगा दोस्तों वो संसद यानी कि पार्लियामेंट द्वारा लिया जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर 14 आप लोग लगा रहे होंगे, बट यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रपति द्वारा संसद के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, अब 12 हो गया है कि जो एंग्लो इंडियंस है वो अब नहीं किए जाते हैं,
अगला क्वेश्चन आ जाता है, लोकसभा को के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों लोकसभा को द हाउस ऑफ पीपल के नाम से लोगों का सदन के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वह कौन होते हैं? बिल्कुल सही आंसर है, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, संसद चुनाव हेतु योग्यता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, संसद चुनाव हेतु योग्य होने की जो न्यूनतम आयु है दोस्तों वो 30 और 25 वर्ष है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात की गई संसद चुनाव की। तो 25 साल दोस्तों लोकसभा हो जाएगी और राज्यसभा के लिए 30 साल हो जाएगी, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष में संसद के कम से कम कितने सत्र होते हैं? 3 होते हैं। अगर बात कीजिए कम से कम कितने सत्र होते हैं तो वो 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कौन निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? देखिए मनी बिल से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो कौन लेता है दोस्तों? वह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह डिसीजन लेता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यों से लोकसभा में सदस्यों की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यों से लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो दोस्तों कितनी है? बिल्कुल सही है, अगर सिर्फ राज्यों की मैं बात करूं तो वो 530 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे टोटल कितनी है दोस्तों? 552 है। अगला क्वेश्चन आता है, लोकसभा चुनाव 2019 में वीवीपैट का क्या मतलब है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी कि राइट आंसर आपका दोस्तों 3rd हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक ईवीएम में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो एक ईवीएम में दोस्तों अधिकतम जो उम्मीदवारों की संख्या हो सकती है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 64 हो सकती है, यानी कि राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्तमान लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो वर्तमान लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 2019 लोकसभा चुनाव में दोस्तों कौन सा चुनाव था ये बताना है, 2019 लोकसभा चुनाव। तो ये दोस्तों 17th यानी कि 17वां लोकसभा चुनाव था, तो राइट आंसर आपका 3rd ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि ईवीएम पर अधिकतम वोट डाले जा सकते हैं। तो ईवीएम पर जो अगर अधिकतम वोटों की मैं बात करूं तो वो 1500 से 2000 तक वोट डाले जा सकते हैं, अधिकतम वोट की मैं बात कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ईवीएम किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो ईवीएम जो है दोस्तों ये बनाई गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर शायद मैंने अभी कराया था, तो 3 सत्र दोस्तों लोकसभा में एक साल में कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से क्या लोक लेखा समिति के बारे में सही नहीं है? तो इनमें से लोक लेखा समिति के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें 30 लोकसभा सदस्य होते हैं, ठीक है, तो ये सही नहीं है, यानी कि राइट आंसर आपका 3rd रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23rd है आपका, कि क्या होता है जब लोकसभा चुनाव एक टाइम में समाप्त होता है? तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, विजेता का फैसला लॉटरी से किया जाता है, यानी कि राइट आंसर आपका 1st हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी का बिल केवल लोकसभा में शुरू किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में शुरू किए जाने वाला बिल दोस्तों वह कौन सा हो जाएगा? मनी बिल, यानी कि आपका 4th राइट आंसर होगा यहाँ पे 24 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा संसदों की संख्या संयोजित गलत है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों बिहार की, तो बिहार की लोकसभा की जो संख्या है, ठीक है, सीटों की संख्या वो 40 है, बट यहाँ पे 39 लिखा है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन। क्वेश्चन आता है कि सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री किस संविधान सभा से संबंधित है?
तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, राज्यसभा गुजरात से, यानी कि राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री किस संसदीय क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल राज्यसभा कर्नाटक इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 30वें का? बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस भारतीय राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक सीटें हैं? तो वह आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना, मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को इनमें से स्थानांतरित किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राज्यसभा ओनली, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, राज्यसभा ओनली में। दोस्तों नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना इस प्रकार थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्राउन, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि फोर्थ आपका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, संसद में एक टाई के मामले में निर्णय वोट डालने का अधिकार, निर्णायक वोट डालने का अधिकार किसे है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा बिल्कुल अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर को, तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के लिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का आधार है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में कितनी महिलाएं सीटें आरक्षित है? दोस्तों लोकसभा में कितनी महिलाएं सीट आरक्षित हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नो प्रोविजन, कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले आम चुनाव के बाद लोकसभा की शक्ति निम्नलिखित में से कौन थी, सॉरी कितनी थी होगा यहाँ पे, तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा भारत के पहले आम चुनाव के बाद लोकसभा की शक्ति निम्नलिखित में से कितनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 489। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपका 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? तो संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल दोस्तों 180 डेज का हो सकता है, यानी कि राइट आंसर आपका 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, प्राकलन में कौन से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सेटर्ड, अनसेटर्ड और शॉर्ट नोटिस, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए रहेगा। ठीक है भाई, तो ये आपके 39, नहीं इसमें शायद कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन तो ये 40 थे। ठीक है भाई, दोस्तों 15 से 16 मिनट में अगर हम ये 40 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं कि डेली मैं आपको 40 से 50, कई बार 100 क्वेश्चन भी करा देता हूँ अगर आप रेगुलर देखते हैं तो, और वो भी सिलेक्टिव टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर देखते हैं तो जीके काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए और डेली क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी की वीडियो जितनी अपलोड हो चुकी है अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो के प्लेलिस्ट के लिंक है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।